डियर बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन फॉर द फेजर्स। कि फेजर्स क्या है, स्पेलिंग यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देन व्हाट इज देयर यूज एंड व्हाई दे आर यूज्ड। तो फर्स्ट पॉइंट जो लेते हैं हम, कि एसी सर्किट्स को अगर आप डायरेक्टली पढ़ने जाएंगे, सो दे आर felt by many students much more difficult topic, but if you study AC topics with the help of phasors, it becomes very very simple. तो पहली बात आती है कि phasors होते क्या हैं। तो first जो meaning लिखेंगे, what are phasors? So phasors are the rotating vectors. पहला जो phenomena है आपके पास, phasors are the rotating vectors, you may note down, that represent a quality which is varying sinusoidally, मतलब sine curve के according वो quantity change हो रही है sinusoidally with time, is called as a phasor. ठीक है, ये आ गई आपके पास फेजर्स की बेसिक डेफिनेशन। फेजर्स वो रोटेटिंग वेक्टर्स हैं जिसमें कि एक क्वालिटी टाइम के साथ साथ साइनोसॉइडली चेंज हो रही है। एज इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस और द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन दैट वी हैव सीन दैट E इज इक्वल टू E जीरो साइन ओमेगा टी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस करेंट वॉज I इक्वल टू I जीरो साइन ओमेगा टी। वी हैड डिस्कस्ड दैट दिस साइन कंटेन्स ओनली ओमेगा टी एज वेल एज द साइन ऑफ करेंट एक्सप्रेशन ऑल्सो कंटेन्स ओनली ओमेगा टी। It means there is no phase difference, means both EMF as well as the current are in the same directions. तो अगर हम लोग इसी को graph से represent करें, so we may have first graph. You may check first graph, that is figure number A. Check as if we write E is equal to E zero sin omega t by V is equal to V zero sin omega t, then V zero is the maximum value of EMF. Okay, so this is V. Check this. This complete arrow is representing V. Its maximum value will be equal to Vm, or this V zero may also be represented as Vm. And this vector, this V vector, is rotating in anti-clockwise direction with the angle omega t1, or with the uniform angular speed only omega. ठीक है, ये घूम रहा है, therefore it is called as rotating vector. तो basically rotating vector को ही आप AC circuit chapter में call करते हैं phasor. अब जिस तरह से ये रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम लोग यहाँ पर इसका सिमिलर ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट मींस वी एम फॉर द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दीज आर डिफरेंट वैल्यूज. अगेन द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट वन थिंग इज नोटिसेबल कि जो आपको सेकेंड ये डॉटेड वेक्टर दिखाया हुआ है, दिस इज द करेंट. ठीक है, इंस्टेंटेनियस करेंट की वैल्यूज हैं, उसमें से भी ये जो आपको मैक्सिमम करेंट मिल रही है विच इज ऑब्टेंड हियर ऑल्सो, दिस कैरीज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई एम फॉर द इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. सो वी कैन गेट a sine curve for this for a full cycle from 0 to 2 pi angle. So इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस origin पर, means 0 point पर,
इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं, इस जीरो पॉइंट पर ईएमएफ एंड करंट बोथ आर जीरो, इस मैक्सिमम पॉइंट पर ईएमएफ एंड करंट बोथ आर मैक्सिमम, ऑल्दो दे आर कैरिंग डिफरेंट वैल्यूज बिकॉज आई एम इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, वेर आर इज द रेजिस्टेंस कंसिडर्ड इन द टॉपिक. देन अगेन एट पाई फेज वी गेट द वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस ई एम एफ एज वेल एज द करेंट एज जीरो. Then at the value 3 pi by 2, both take the maximum values but in opposite directions. So this is a sine curve for EMF as and current. But this graph, this picture is showing us the phasor. Ye aapko rotating vectors dikha rahe hai. So these are called as phasors. So whenever we plot arrowheads with the help of vector quantities, then they are called as phasors. So what we have concluded that the phasors, jo phasors honge for alternating EMF and alternating current, they will be inclined to horizontal x-axis, as check first figure again. They are inclined to horizontal x-axis with some angle. ठीक, तो वो angle possible हो सकता है omega t plus alpha, और if alpha is zero, that angle may be only omega t. अब phasor में जो भी आपको length of arrow मिलेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ दो arrows बनाए हुए थे, one was for EMF and other was for the current. So, जो भी length of the arrow होगा, that will be representing the maximum value of current or maximum value of alternating EMF. अब जो भी arrow है वो अपने दो projections देगा. One projection will be on y-axis and another projection will be on x-axis. Suppose we again draw the diagram to understand the topic completely. This is x-axis and this is y-axis and this is suppose current phasor. ठीक है, तो इसको मैंने शो कर दिया I से. अब ये करंट फेजर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, such that the angle with horizontal x-axis is omega t. तो ये जो एरो है ये वाई एक्सिस पर इतने लेंथ का प्रोजेक्शन दे रहा है. ठीक है, दिस इज द लेंथ. सो इट इज आई जीरो साइन ओमेगा टी एंड ऑन एक्स एक्सिस इट इज गिविंग अस दिस मच ऑफ प्रोजेक्शन विच विल बी आई जीरो कॉस ओमेगा टी. ठीक है, तो ये इस तरह से y एक्सिस पर आपको जो प्रोजेक्शन देता है दैट इज इन द साइन फॉर्म, मीन दैट टेल्स यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड वेयर ऑन x एक्सिस द प्रोजेक्शन इज गिवन इन द कोसाइन फॉर्म. सो वी कैन से फेजर्स कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इन हार्मोनिकली वेरिंग इक्वेशन. हार्मोनिकली मीन्स ईदर इन द फॉर्म ऑफ साइन और इन द फॉर्म ऑफ कॉस, एंड हेंस वी गेट द रोटेटिंग वेक्टर्स. एंड इफ वी वॉन्ट टू एड और सब्ट्रैक्ट और टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स वी हैव टू अप्लाई द वेक्टर लॉस. सो वॉट इज द क्विक समरी? If we are required to write the definition of a phasor, we can write a phasor is a vector. Basically, a phasor is a vector which rotates about the origin with uniform angular velocity omega, and the projection on y-axis will be giving us the
magnitude of instantaneous EMF in the form of sine, and the projection on x-axis will be giving us the magnitude of EMF in the form of cosine. So this is all about phasor. But for resistor, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए आपको दोनों इक्वेशंस में साइन ओमेगा टी मिला था, तो वी कैन चेक दैट फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फेजर्स फॉर ई एज वेल एज फॉर आई आर इन द सेम डायरेक्शन, हेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एम एफ एंड करेंट फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट is equal to zero. अब other components कौन से हुए थे बेटा circuit के? एक तो था resistance, दूसरा था inductor और तीसरा था capacitor. फिर आपने दिया था दो दो के combinations. तो सबसे पहले आया RL, second आया LC, next आया RC और last आया series LCR circuit. तो ये आपके पास total बने थे 7 AC circuits. ठीक है? इसमें से सिर्फ जब आप रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं सो द फेज डिफरेंस विल बी जीरो, एंड फॉर अदर कंपोनेंट्स लाइक इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, आरएल सर्किट, एलसी सर्किट, आरसी सर्किट एंड एलसीआर सर्किट, फाई इज नॉट गोइंग टू बी जीरो. रिमेंबर दिस, व्हाट इज फाई? दिस इज द फेज डिफरेंस between instantaneous EMF and instantaneous current. This is not going to be zero for the remaining 6 circuits. So we will be finding relationship which is also called as the phase relationship for different AC circuits. In the previous lecture, we have studied the purely resistive circuit. Now, in this lecture, we are going to study the second type of circuit, that is purely inductive circuit. जिसको आप जो ये indicated name है, उससे भी call कर सकते हैं. Like, what is the meaning of purely inductive circuit? When AC voltage is applied to an inductor, this is called as purely inductive circuit. तो basically जब भी आप एक inductor और एक coil की बात करते हैं उसमें mathematical quantity को आप inductance L से show करते हैं, if this is self inductance. अब जब भी आप ideal inductor की बात करते हैं, so ideal inductor और the practical inductor, ठीक है, दो type के आप टॉपिक्स ले सकते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल इंडक्टर. जो भी प्रैक्टिकल इंडक्टर होगा विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, दैट हैज एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इन देयर वाइंडिंग्स, मतलब उसके पास में जो भी रेजिस्टेंस पजेस होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा. बट हम जब आइडियल इंडक्टर की बात करेंगे तो वी विल एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू जीरो. तो यहाँ हम जो भी इंडक्टर की का एजम्पशन ले रहे हैं, इट्स रेजिस्टेंस इज एज्यूम्ड टू बी जीरो, हेंस इट इज कॉल्ड एज द प्योरली इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि इसमें और कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी पजेस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस है. ठीक है, सो चेक द सर्किट डायग्राम. दिस इज एन एसी सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ. तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि द वोल्टेज अक्रॉस दिस अल्टरनेटिंग सोर्स इज साइनोसॉइडल, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं अभी जस्ट फेजर्स में, कि जो ओमेगा टी है वो एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म होगा, एंड वी विल बी कॉल्ड एज द रोटेटिंग वेक्टर और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फेजर. अब जब आपने इस अल्टरनेटिंग सोर्स को इस प्योर इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, सो द रिजल्टिंग सर्किट इज ऑब्टेन्ड एज द प्योरली इंडक्टिव सर्किट. अब इसमें हम लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लूप रूल, क्योंकि हमारा बेसिक इंटेंशन है
करंट एंड वोल्टेज के इक्वेशंस को अचीव करना एंड देन टू फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, सो यहाँ पर KVL का पहले हम लोगों ने आइडियल फॉर्म लिखा such that summation of epsilon t equals to zero. Epsilon t means the EMF is a function of time because as we can see from this equation that v is a sinusoidal function. So v यहाँ पर constant नहीं है. So therefore we are taking it in the form of mathematically varying quantity such as function. So there is no resistor in the adjacent circuit. Hence we can write v minus L into di upon dt equal to zero. ये quantity बेटा पढ़ चुके हैं. This is the induced EMF across a single coil. Self induction topic में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. So let this be equation number one. इसमें से ये जो second term हम लोग बता रहे हैं which is L into di upon dt. This is the self induced. This is the self-induced Faraday's EMF in the inductor because this is EMF. तो dimensionally आप EMF में से plus और minus कर सकते हैं सिर्फ EMF. तो इस पूरे second term के जो quantity होंगे वो EMF होंगे dimensionally. So this is equal to zero. And where L is the self-inductance of the inductor which we have connected with the AC source of EMF V. ठीक है, so ये आपके पास different quantities हो गई. Now what is di upon dt? This is the rate of change of current with time and यहाँ जो हम लोगों ने negative sign use किया हुआ है this is by Lenz's law. बिकॉज Lenz's law के अकॉर्डिंग जो भी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा. सो नाउ वी आर कंबाइनिंग इक्वेशन वन एज वेल एज द ओम्स लॉ. ठीक है, दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे. सो वी कैन हैव इक्वेशन वन से हम फाइंड करेंगे पहले डी आई अपॉन डी टी. So we get di upon dt equals to v by L और फिर v को हम sinusoidal form में लिख देंगे which is vm sin omega t divided by L. अब फिर से आप इसको थोड़ा सा dimensionally analyze करें as sin omega t is dimensionless. So we are getting only the dimensional quantities as vm divided by L. So we can check that the current, because current is also a function of time, so we may write IT means current as a function of time must be such that ki jo iska slope hai DI upon DT, this carries the same phase as the source voltage. ठीक है, source voltage का maximum EMF था आपके पास VM means the peak वैल्यू एंड करंट का एम्पलीट्यूड है आपके पास वी एम डिवाइडेड बाय एल. ठीक है, सो वी कैन ऑब्टेन करंट बिकॉज जो लेफ्ट साइड मिल रहा है वो तो रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट है. तो अगर हमें यहां से करंट ऑब्टेन करना है सो वी विल बी इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बोथ साइड्स हम इक्वेशन टू को इंटीग्रेट कर देंगे. सो चेक दिस, दिस इज इंटीग्रेशन डी आई अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी. दिस राइट साइड इज वी एम अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी. दिस इज एंगल. ठीक है, अब आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है आई, राइट साइड में मिलता है आपको वी एम डिवाइडेड बाय एल इनटू ओमेगा, इसका मल्टीपल टी का, इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस वी आर गोइंग टू गेट सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट.
अब फिर से इस इक्वेशन को आप डायमेंशनली एनालाइज करेंगे. द लेफ्ट साइड इज द करंट, देन द राइट साइड शुड ऑल्सो हैव बोथ करंट टर्म्स, देयरफॉर दिस इज करंट टर्म एज वेल एज द कॉन्स्टेंट विल होल्ड द डायमेंशंस ऑफ करंट एंड इट इज टाइम इंडिपेंडेंट बिकॉज आप इसको कॉन्स्टेंट कॉल कर रहे हैं. हेंस we can have minus cos omega t equal to, थोड़ा इसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे. सो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, as you can write it as in the first quadrant as omega t minus pi by 2. तो यहाँ पर साइन आपके पास odd function है, तो इस तरह से आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी माइनस फॉर्म लेके इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे. सो दिस इक्वेशन बिकम्स आई इक्वल्स टू आई एम, ठीक है, बिकॉज ये तो डायमेंशन लेस है पूरी क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी को हम लोगों ने बोल दिया करंट. सो दिस इज इक्वल टू आई एम, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, into we can write sine omega t minus pi by 2. This is the main equation where we get I m equals to, जो हमने assumption लिया है, I m equals to V m upon omega l is the amplitude of the current or the peak value of current. Now, if we consider the quantity omega l, आप इसको ओम्स लॉ से कंसीडर करें, कंपेयर करें. इफ वी टेक द क्वांटिटी ओमेगा एल, वी कैन गेट दिस क्वांटिटी एज एनालॉग टू द रेजिस्टेंस. ओम्स लॉ से कंपेयर करें बेटा इसको, बिकॉज अगर आप इसी की जगह ओम्स लॉ लिखते तो आप लिखते आई एम इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई आर. तो ये जो ओमेगा एल क्वांटिटी है ये रेजिस्टेंस को एनालॉग हो गया, but this is due to coil, therefore it is called as the inductive reactance and it is shown by the symbol XL. Symbol dekhenge ek bar, L is for inductive, X is for reactance and we can write hence XL equals to omega L. Therefore, the magnitude of the maximum current can be represented as Vm divided by XL. ठीक? So, अब main conclusions आते हैं आपके पास inductive reactance के लिए. So, for inductive reactance, we can write the main terms as it is dimensionally same as that of resistance. Second, because dimensionally it is same as resistance, hence we can write its SI unit as ohm. ठीक है, तो आपके पास SI unit of inductive reactance का आंसर आ गया ohm. Now, what is the function of this inductive reactance? This limits or this controls the current in a purely inductive circuit. ठीक है, करंट को कंट्रोल करेगा ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट में. इन द सेम वे एज वी कंपेयर द रेजिस्टेंस लिमिट्स द करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. तो दोनों को आप एनालॉगस एज्यूम कर सकते हैं. सो again, if we assume the expression for inductive reactance, which is omega L, we can have the inductive reactance is directly proportional to the self-inductance of the coil, as well as if we write this omega as 2 pi F L, we can have the conclusion that XL is not only directly proportional to L, but XL is also directly proportional to the frequency of the circuit. Now, if we compare equation of EMF and this equation of current, ठीक है, दोनों equations को अब हम लोग साथ में लिख कर चलते हैं.
सो जो हमने इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ई एम एफ लिया था दैट वॉज वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट जो हमें मिला दिस इज आई एम इट इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. तो अगर आप दोनों के फेस टर्म को स्टडी करें चेक दिस दीज आर द फेस टर्म्स फॉर बोथ द इक्वेशंस वी सी दैट द करेंट लैग्स करेंट में आप चेक कर सकते हैं माइनस पाई बाई टू आ रहा है फेस में तो करेंट लैग करती है मीन्स करेंट वोल्टेज से पीछे है. So we can pass the statement that current lags the voltage by pi by 2. Pi by 2 or 1/4 of the cycle. क्योंकि आप पूरा जो full cycle लेते हैं, one full cycle, that we take as for 2 pi or 360 degree. तो अगर हम लेते हैं cycle pi by 2, तो इसको हम लोग बोल देंगे 1/4 ऑफ द साइकिल. ठीक है तो वोल्टेज से 1/4 साइकिल से लैग करती है. सो अगर हम फेजर बनाने की कोशिश करेंगे सो वी कैन से दैट करंट फेजर रिकॉल करेंगे फेजर्स क्या थे रोटेटिंग वेक्टर्स थे तो वी कैन से दैट करंट फेजर आई इज पाई बाय 2 बिहाइंड द वोल्टेज फेजर. ठीक कब जब आप रोटेट करेंगे व्हेन दे आर रोटेटेड विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज. हाँ फेजर्स को आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करते हैं. ठीक है सो वी कैन हैव द फेजर डायग्राम्स और द ग्राफ इन द नेक्स्ट सेक्शन. So the meaning of the lagging means वो 1/4 cycle में lag कर जाता है. इसका meaning यहाँ पर आप phasor diagram में check कर सकते हैं that check the maximum values. ठीक है आप V की maximum value check करो इस point पर आपको V की maximum value मिल जाती है which is at pi by 2. तो जैसे ही V की maximum value आती है उसके pi by 2 साइकिल के बाद. ठीक है अब आप चेक करो आई की मैक्सिमम वैल्यू एंड नाउ चेक द फेज डिफरेंस. तो उसके पाई बाय 2 फेज के बाद में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है. हेंस वी कैन से दैट द करंट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू दैट इज आई एम लेटर देन द वोल्टेज. मतलब वोल्टेज के बाद later than the voltage by 1/4 of a period. Now, what is 1/4 of a period? That is t by 4. तो t के प्लेस पर आप लिख सकते हैं completely अगर आप इसको लिखना चाहें तो you can write as 2 pi divided by omega by 4. So this will be equal to pi by 2 into omega. Hence we can say that inductor and inductor means L. It has the reactance means XL which limits the current. Limit control करेगा current को जैसे कि resistance control करता है current को in the DC circuit. So अब आप इसके phasors check करें. This is the maximum value of EMF. तो ये arrow यहाँ तक आ गया. तो आपने y एक्सिस पर जब इसका प्रोजेक्शन प्लॉट किया सो दिस इज गिविंग अस Vm sin omega t1 sin के फॉर्म में दिया. और जब आपने करंट का फेजर ड्रॉ किया सो ऑन y एक्सिस इट्स वैल्यू विल बी Im into sin omega t1 minus pi by 2 बिकॉज ये वोल्टेज से pi by 2 फेज से लैग करता है. Therefore, both the quadrants for V and I are different and they are falling apart by one quadrant or 90 degree. So, this is the phasor diagram for the circuit for purely inductive circuit. ठीक है अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि inductance का जो role है means inductive circuit में जो आपको XL का role मिल रहा है
वो सेम मिलता है एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या वो पावर को भी रेजिस्टेंस की तरह कंज्यूम करेगा? सो यू कैन राइट न्यू पार्ट एज इंस्टेंटेनियस पावर विच इज सप्लाइड टू द इंडक्टर, कि इसका एक्सप्रेशन आपके पास क्या आएगा. सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द इंडक्टर. So for the inductor, we can write subscript L. So this is power supplied to the inductor. Power is always I into V. Putting the expressions for I as well as V in terms of alternating connections. So this is I am sine omega t minus pi by 2 into V m sine omega t. अब कॉन्स्टेंट्स को हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो वी गेट पी एल इज इक्वल टू दिस इज माइनस आई एम इंटू वी एम, ठीक है, इंटू, बिकॉज देखो इसको आप कैसे लिख देंगे, दिस इज साइन माइनस पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे. सो बिकॉज साइन इज एन ऑड फंक्शन, साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी का आंसर आएगा आपके पास कॉस ओमेगा टी, एंड दिस माइनस साइन विल कम आउटसाइड, हेंस दिस माइनस अपीयर्स. सो वी गेट इट एज कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी. नाउ वी कैन एडजस्ट इट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल एंगल, सो वी विल मल्टीप्लाइड बाय टू एंड डिवाइड बाय टू, सो इट इज इक्वल टू माइनस आई एम Vm by 2 into sine 2 omega t. Now, this is the power supplied, instantaneous power ka formula hai ye, because ye time varying hai. So, this is the expression for instantaneous power supplied to the inductor. But, if we want to find out the average power over a complete cycle, means 0 to 2 pi, पूरे में अगर हम एक एवरेज पावर निकालना चाहें, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस आई एम वी एम साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, एंड व्हेन वी टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी फॉर द फुल साइकिल, लाइक वी कैन राइट इट एज इस तरह से, जब हमने साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू पूरे वन फुल साइकिल में चेक की, सो दैट इज गोइंग टू बी जीरो. सो वी गेट पी एल इक्वल्स टू जीरो. हेंस वी कैन से दैट द एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल सप्लाइड टू एन इंडक्टर इज इक्वल टू जीरो. गॉट इट? Any difficulty till this point? Now check a numerical based on purely inductive circuit. A pure inductor of 25 millihenry. Unit se decide kar lenge beta that this is given as L, conversion necessary hai. So this is 25 into 10 to the power minus 3 henry is connected to a source of 220 volt. So this is given as V. Find the inductive reactance. हमें find करना है XL and RMS current in the circuit. So we have to find RMS current also. If the frequency of the source is 50 Hz, this is given as F. ठीक है, तो ये आपके पास हो गया given data and unknown data. Now check. We can have the expression for inductive reactance as 2 pi F L. Put all the values 2 into 3.14 into 50 into 25 into 10 to the power minus 3. And it was same as that of resistance. So the SI unit will be ohm. Ab sabse pehle inka kaam tamam karenge. This is 50 to the 100. 100 into 10 to the power minus 3. आ जाएगा आपके पास 10 टू द पावर माइनस 1, और अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, दिस इज 78.5. सो द फाइनल आंसर
for XL is equal to 7.854. ठीक है, ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर. नाउ द RMS करंट इज इक्वल टू V अपॉन XL. और जो भी आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी जिसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो दैट विल बी RMS वैल्यू, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. सो दिस इज इक्वल टू 220 गिवन इन द क्वेश्चन अपॉन 7.85. दिस इज वोल्ट अपॉन ओम. So we get the answer as 28 ampere. So this is the RMS current. Now in the next session, we are going to study the purely capacitive circuit. So जिससे आपके single components के तीन circuits पूरे finish हो जाएंगे. Till then, again revise purely resistive circuit.